सहारनपुर के देवबंद में पकड़ी गई नकली खाद बनाने की फैक्ट्री। पुलिस, कृषि और खाद्य विभाग की संयुक्त छापामारी। किसानों की शिकायत पर की गई छापामारी। नकली खाद और दवाई का प्रयोग करने से देवबंद में हो गई थी सैकड़ों बीघा फसल खराब। डीएम के आदेश पर प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंची थी छापामारी करने। पुलिस ने नकली खाद की फैक्ट्री चलाने वाले कई लोग हिरासत में लिए गए। मौके से ब्रांडेड कंपनी की दवाइयां भी की गई बरामद। ब्रांडेड कंपनियों का होल मार्क लगाकर बेची जा रही थी किसानों को नकली दवाइयां। मौके से भारी मात्रा में नमक और लाल मिट्टी के कट्टे बरामद। पुलिस ने इंफॉर्मेशन दी थी कि यहाँ पर कुछ खाद की पैकिंग और रिबैगिंग का काम इस तरह से चल रहा है। जब मैं हमारे यहाँ की टीम आई है, फिर हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि लगभग यहाँ पर 550 बैग हमें नमक के मिले हैं, 4-5 बैग लगभग वो जो रंग होता है लाल रंग का, गेरुआ रंग, उसके बैग मिले हैं। तो संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि शायद ये लोग नमक और ये रंग मिलाकर एमओपी यहाँ पर तैयार कर रहे थे। एमओपी के खाली बैग भी हम लोगों को बरामद हुए हैं, जो भारी तादाद में है, लगभग 5000 बैग मिले हैं। तो इसको संदिग्ध मानते हुए हम लोगों ने तत्काल यहाँ पर ये सीजिंग की कार्रवाई कर दी है, पूरा गोदाम सील कर दिया। आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है वो जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में लाकर उनसे अनुमति लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी। अरेस्टिंग ये पुलिस कल किया है, उन्होंने वो देख रहे हैं उस चीज़ को। मैं एमओपी का जो प्रयोग कहाँ होता था वैसे? एमओपी प्रयोग खेती में ही होता है सर, ये फर्टिलाइजर सारा खेती किसानी में ही यूज होता है, उसी के लिए ही ये करिए। अब ये अभी पता चलेगा, मुझे भी अभी हम लोगों ने अभी माल बरामद करा है, अभियुक्तों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। आगे आगे जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तब पता चलेगा कि क्या है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।